Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum This is your computer science class and today we continue with the chapter number 2 which is data devices इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट मेमोरी सो व्हाट इज़ मेमोरी? द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ आर कंप्यूटर कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को हम मेमोरी कहते हैं और हम इसमें क्या सेव कर, कर, कर सकते हैं कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी हम सेव कर सकते थे गेम्स कार्टून्स, वीडियोस ऑडियोज कुछ भी हम सेव कर सकते हैं ठीक है ना जिसमें सेव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं मेमोरी कहते हैं देन हमने देखा था मेमरीज की कितने टाइप्स हैं सो देर आर थ्री टाइप्स प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी टुडे वी स्टार्ट विद द प्राइमरी मेमोरी व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी एंड इज मेन एरिया ऑफ कंप्यूटर वेयर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड प्राइमरी मेमोरी आपके पास इंटरनल मेमोरी भी खिलाती है क्योंकि ये सीपीयू के इनसाइड होती है अंदर होती है ठीक है इस वजह से हम इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और ये किस से यूज़ होती है डाटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉमेसन को स्टोर करने के लिए हमने कोई भी चीज़ कॉपी करनी हो या पेस्ट करनी होती है वो हमारे पास कहाँ पे जाके सेफ़ होती है मेमोरी में सेफ होती है ठीक है इट इज़ आल्सो कॉल्ड रैम इसको हम रैम भी कहते हैं और रैम किस लिए स्टैंड करता है रेंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है इसका क्या मतलब है हमने कंप्यूटर में कहीं से भी कहीं पर भी डाटा सेव करना है वहां से कॉपी करना है तो वो हमारे पास किस में रखा होता है रैम में रखा होता है ठीक है रैम रैम रीड को हम रीड राइड मेमरी भी कहते हैं अब रीड राइड मेमरी क्या होती है आप रैम में कोई भी डाटा सेव भी कर सकते हो और उधर से कॉपी भी कर सकते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ़ाइल ली है ठीक है कोई भी फाइल ली है वो सेव कर दी है रैम में ठीक है ना आपने सेव किया तो वो ऑटोमेटिकली रैम में ही सेव होगी ठीक है जब रैम में वो सेव हो जाएगी तो आप उसको दोबारा से भी कॉपी कर सकते हो ठीक है या उसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हो उसमें चेंजेस कर सकते हो जैसे आपने एक फ़ाइल में नात रख दी है दूसरे फाइल्स में आपने कार्टून रख दिए हैं ठीक है ना अब ये नहीं है कि आपने वो सेव कर दी तो उतनी ही चीज़ें सेफ रहेंगी अगर आप और भी नात सेव करना चाहो या कार्टून सेव जाओ, तो आप दोबारा सेव कर सकते हो उसको ठीक है ना और वहाँ से आप प्ले भी कर सकते हो या दोबारा से कॉपी भी कर सकते हो ठीक है तो इस वजह से रैम हमारे पास क्या है रैंडम सॉरी रीड एंड राइट मेमोरी एज वी कैन रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट एज वेल एज राइट इंस्ट्रक्शंस इन इट इसका क्या मतलब है कि हम वहाँ से रीड भी कर सकते हैं मतलब के पढ़ भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं मतलब कुछ भी एड भी कर सकते हैं कुछ डिलीट भी कर सकते हैं ठीक है रैम इज़ वोला टाइल मैमरी वोला टाइल मैमरी क्या होती है वोला टाइल मैमरी ऐसी मेमोरी को कहा जाता है कि अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो जितना भी डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है ठीक है रैम इज़ अ वोला टाइल मैमरी इट मीन्स डाटा इज लॉस्ट वेन कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ ठीक है ना रैम हमारे पास क्या है एक वोला टाइल मेमरी है और जब भी कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो जितना भी डाटा रैम में होता है वो क्या हो जाता है लॉस हो जाता है या डिलीट हो जाता है इसका क्या मतलब होता है जैसे अगर आप कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो ठीक है ना कॉपी कर रहे हो आप लोग और वो कॉपी किस में हो रही होती है रैम में हो रही होती है ना और अगर लाइट चली जाए तो वो क्या हो जाता है सारी कॉपी जो आप लोग ने की हुई थी वो वेस्ट हो जाती है वो सेव नहीं रहती अगली बार जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करोगे तो वहीं से कॉपी आपको क्या करनी पड़ेगी दोबारा से करनी पड़ेगी ठीक है ना तो इस वजह से हमारे पास रैम क्या है वोला मेमोरी है ठीक है अच्छा नॉट योर डायरीज रिमेंबर वट इज़ प्राइमरी मेमरी एंड वोला टाइल मेमरी आपने याद रखना है कि प्राइमरी मेमरी किसको कहते हैं रैम को कहते हैं है, और वोला टाइल मेमरी कौन सी मेमरी होती है रैम आपके पास वोला टाइल मेमोरी होती है और वोला टाइल मेमरी का मतलब क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ होता है तो वो क्या हो जाता है डाटा लॉस्ट हो जाता है ठीक है आपने प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन याद रखनी है और वॉलेटाइल मेमोरी की भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ठीक है ओके स्टूडेंट्स अल्लाहफि